हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 212 रुपए का ये शेयर है, आज 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज देखा जाए तो बाजार में रिकवरी आई और खास करके जो PSUs जो कल तक भाई साहब पत्ते की तरह बिखर रहे थे, उसने आज दमखम भरा। लेकिन भेल में तेजी नहीं आई, लेकिन फिर भी 204 रुपए पर यह शेयर चला गया था। वहां से एक अच्छी रफ्तार पकड़ी जरूर, लेकिन फिर भी 2% की ही गिरावट आई, लेकिन फिर भी 212 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ जरूर है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जो कि अगेन जो एक्सपेक्टेड था वही है, लॉस ही क्या इसने किया है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 212 रुपए का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5.5% की तेजी भी है, एक अच्छी रफ्तार बन के 200 रुपए से शानदार तेजी से भागा 235 पे गया। उसके बाद लगातार अभी अगर देखो तो पिछले एक हफ्ते से करेक्शन यहां पर चल ही रहा था। आज रिजल्ट्स के बाद और ज्यादा यहां पर प्रेशर देखा जाए तो आया है जरूर यहां पर। और एक साल की अगर हम बात करें तब तो खूब पैसा बना है, 200% का इसने रिटर्न आपको कमा कर दिया है। बीच में अगर आप देखो तो एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन बने थे, फिर तेजी दिखाई, फिर करेक्शन आया, फिर तेजी दिखाई, फिर करेक्शन, फिर तेजी दिखाई, फिर करेक्शन, और शायद इस बार थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे जो है वो इसका मुझे खराब नहीं लगता है। रीजन ये कि ये जो कंपनी है वो हर जगह है, डिफेंस में भी है, पावर में भी देखने को मिलेगी, रेलवे में भी देखने को मिलेगी। जो वंदे भारत ट्रेन है उसके भी प्रोजेक्ट इसको मिले हैं आने वाले टाइम में। अगर गवर्नमेंट और बड़ी ज्यादा और बड़े पैमाने पर नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन चलाने की कोशिश करेगी तो भाई साहब जाहिर सी बात है एक बेनिफिशियरी ये भी होने वाले हैं वहां पर। और आज जो रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि उतने भी अच्छे नहीं हैं, एवरेज मैं कहूंगा इसको 5,600 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,322 करोड़ की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,360 करोड़ के आसपास की थी। तो देखा जाए तो हल्का सा ही सही, लेकिन ग्रोथ आया है इनके रेवेन्यू में, 5% का ग्रोथ कह सकते हो कि इसने दिखाया जरूर है। और कंपनी लॉस में है, क्योंकि जहां 5,600 करोड़ की इनकम थी वहां पर 5,800 करोड़ का इनका खर्चा हुआ है, जो कि ज्यादा है खर्चा। और अगर आप देखोगे तो इस बार का जो इनका नुकसान हुआ है वो ऑलमोस्ट 165 करोड़ के आसपास का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 233 करोड़ के आसपास का लॉस ही था। लेकिन पिछले साल एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में थी, छोटा सा ही सही लेकिन प्रॉफिट था कंपनी को। लेकिन इस बार यहां पर देखा जाए तो लॉस देखने को मिल रहा है, बड़ा लॉस मैं कहूंगा यहां पर। लेकिन फिर भी देखो, कंपनी जो ट्रेड कर रही है, कंपनी जो तेजी देखने को मिली है वो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आई है। वॉल्यूम के बारे में अगर बात करोगे तो तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 56% लोग कह रहे खरीदारी करो और 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। जहां तक बात करें इनके डिविडेंड को लेकर तो सरप्राइज ये कि कंपनी लॉस मेकिंग है लेकिन फिर भी डिविडेंड पे कर रहा है। 2022 में से 40 पैसा पर शेयर का पे करा था और 2023 में भी 40 पैसा पर शेयर का पे कराए। इस बार देखते हैं कि 2024 में पे करते भी है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे यहाँ पर तो भाई साहब प्रॉफिट यहाँ पर एनुअल देखने को मिला जरूर था, क्योंकि एक ही क्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया था, वरना बाकी के क्वार्टर में यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो ठीक ठाक है, मतलब उतना बड़ा जंप नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास खेल रहा है ये। जहां तक प्रॉफिट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आ जाता है, बाद में कुछ बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता नहीं है। इससे पहले के क्वार्टर में भी 250 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 360 करोड़ का लॉस था, इस बार 175 करोड़ के आसपास का लॉस जरूर है। हालांकि कम हुआ है, कम हुआ है, अच्छा है, लेकिन फिर यहाँ देखो लॉस लॉस होता है। यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो इसका जो पी है वो आपको 1,000 से भी ज्यादा का देखने को मिलता है। देखो यार, बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये पहुंच चुका है, इतना महंगा अदानी भी नहीं होता, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि भाई साहब अगर इनको अच्छे खासे प्रॉफिट कमाकर दिखाने पड़ेंगे, ये जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ये एडजस्ट भी होगा, वरना कैसे जस्टिफाई हो पाएगा इसको। यहाँ पर सेक्टर पी देखोगे तो 54 के आसपास का देखने को मिल रहा है, 28% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, मतलब उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। बीच में कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट कर लेते हैं ये, बाद में वापस लॉस में भी आ जाते हैं, तो ये कंसर्न यहाँ पर जरूर रह रहा है। जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 63.17% की होल्डिंग है, प्रमोटर के एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 6.27% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 11.30% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, 7.04% FIIs लेकर बैठे हैं,
रिटेल और अदर्स की मिलाकर 12.21% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.65% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 2.56। और देखा जाए तो भाई साहब खरीदारी हुई है, सितंबर में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.57% थी भाई साहब, वो बढ़ के 6.27 पर आ चुके हैं। हालांकि डोमेस्टिक और ये एफआईएस ने देखे तो थोड़ी सी बिकवाली करी है ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर देखे तो म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करी है। देखिए ओवरऑल अगर मैं भेल को लेकर बात करूँ तो मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर डिबेट डेफिनेटली हो सकती है यहाँ पर कि भाई साहब जस्टिफाई है भी कि नहीं है। 45 रुपये का शेयर था, बेहतर रफ्तार देखने को मिली जरूर देखो, और जब ये 40 था, 45 था, 50 था, 60 था, मैं खुद कहता था कि हाँ भैया खरीदारी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब जो 200 250 के आसपास है ना, तब ये एक रिस्की लेवल लगता है, यहाँ से रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, रिवॉर्ड के नाम पर बहुत ही कम रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर लगता है अभी के टाइम पर। और यही वजह है कि मैं उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी इस रेंज में। और जिस तरीके देखो, अगर इनके रिजल्ट्स अच्छा होता, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल भी होता, तो चलो हम मान सकते हैं कि चलो यार चीज़ें बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबल भी नहीं है, लॉस यहाँ पर है इस कंपनी को, और रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ नहीं। देखो पिछले कुछ टाइम में हमने कई सारी खबरें सुनी कि यहाँ से ऑर्डर मिला, वहाँ से ऑर्डर मिला, यहाँ से मिला, वहाँ से मिला, लेकिन वो रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। हालांकि डेफिनेटली ये होगा रेवेन्यू में कन्वर्ट, आने वाले 1.5-2 साल में आपको डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अभी जिस तरीके से भागा है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होना चाहिए, एटलीस्ट 20-22% का डिक्लाइन से ही गुजरना चाहिए, उसके बाद एक कंफर्टेबल लेवल आएगा जहां पर बाय करने के मौके बनेंगे। एटलीस्ट 212 या 230 रुपए का रेंज मुझे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। मेरे लिहाज से जो अट्रैक्टिव लेवल यहां पर बन सकता है वो एटलीस्ट 175 के आसपास हो सकता है यहां पर। अब काफी लोग बोलेंगे कमेंट में कि भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा इतना नीचे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां तक जाएगा ही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लेवल कंफर्टेबल होता है बाइंग के लिहाज से। इस लेवल पे अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। हालांकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा लग रहा है, और बीच बीच में आपको कई सारी खबरें भी देखने को मिलेगी कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से मिला, नेवी का मिल गया, यहाँ एयरफोर्स से मिल गया, इससे मिल गया, पावर से मिल गया, रेलवे से मिल गया, इसके चलते यहाँ पर पंप अप हो रहा है ये शेयर। वरना अगर आप इसके नंबर्स को एक्चुअली देखोगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर है, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना ज़्यादा पसंद करूंगा। ये मेरा मानना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अगर आपके पास है तो चाहो तो होल्ड कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो बाय करने के मौके वो शायद यहाँ पर अभी के लिए बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर, चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेजी आई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ टाइम में और भी कई सारी सरकारी कंपनीज है जिसने खूब सारा पैसा बनाकर दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा।